कृष्णा, ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो है कि बृहस्पति यानी जुपिटर की किस तरह की प्लेसमेंट अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो वो व्यक्ति को जीवन में दो शादियों के योग जो है बना सकती है, टू मैरिज योगा जो है वो दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इस सारी स्थिति से बचने की सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ऐसे बहुत से योग हैं जो कि अगर उनमें से एक भी अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो वो उसे दो विवाह के योग जो है दे सकता है, जीवन में दो शादियों की स्थिति जो है वो बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बृहस्पति के एक बहुत ही अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह से बृहस्पति की जुपिटर की एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में टू मैरिज योगा जो है वो दे सकती है। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को मैरिज यानी विवाह का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में इवन साइंस में प्लेस्ड हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 या 12 नंबर की राशियों में प्लेस्ड हो, और उस स्थिति में बर्थ चार्ट में सेवंथ लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड हो और बुध या शुक्र बर्थ चार्ट में आत्मा कारक ग्रह हो, यानी कि वीनस या मरकरी में से कोई जो है वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में दो शादियों के योग ये स्थिति बनाती है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में सम राशियों में यानी कि इवन साइंस में अगर प्लेस्ड है, तो उस स्थिति में बर्थ चार्ट में वीनस और मरकरी की प्लेसमेंट कैसी है, इसको बहुत डीपली एनालाइज किए जाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जहां एक और जुपिटर जो है वो मैरिज का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है, और वहीं दूसरी ओर वीनस को मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है, क्योंकि वीनस जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप को, और मेल्स के लिए वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो इतना तय है कि व्यक्ति के जीवन में मैरिज, रिलेशनशिप, उसके रिश्ते जो हैं वो सबसे बड़ी कार्मिक सेटलमेंट की वजह हो सकते हैं, वो सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं उसके जीवन में पेन और सफरिंग से रिलेटेड, उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स ये सिचुएशन जो है वो दे सकती है। और देखिए, शुक्र अगर आत्मा कारक ग्रह है, वीनस अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो व्यक्ति के जीवन में मैरिज और रिलेशनशिप जो है वो कार्मिक सेटलमेंट के सबसे बड़ी वजह जो है हो सकती है। तो इस स्थिति में अगर शुक्र आत्मा कारक ग्रह है, वीनस अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना अचीव कर ले, वो सब कुछ पा सकता है जीवन में, लेकिन अक्सर उसको एक डिजायर्ड पार्टनर मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, लेकिन एक डिजायर्ड पार्टनर जो है वो उसको नहीं मिलता। तो इस तरह से शुक्र अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो व्यक्ति के जीवन में जो पेन और सफरिंग है वो रिलेशनशिप और मैरिज से संबंधित मैटर्स में सबसे ज्यादा होगी, इतना तय है। तो इसी तरह से मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी शेयर करने वाली हूँ कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन शुक्र जो है, वीनस जो है, वो बर्थ चार्ट में 0 डिग्री पर प्लेस्ड है,
तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के जीवन में मैरिज और रिलेशनशिप से जुड़ी कोई कार्मिक सेटलमेंट पेंडिंग है ही नहीं। तो उस स्थिति में इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह ही ना हो, उसकी शादी ही ना हो पाए। तो इस तरह से शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी ये जानने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। और वहीं दूसरी ओर वीनस अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो मैरिज और रिलेशनशिप व्यक्ति के जीवन में कार्मिक सेटलमेंट की सबसे बड़ी वजह हमेशा रहेंगे। देखिए अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति यानी जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में सम राशियों में यानी इवन साइंस में अगर प्लेस्ड है तो उस स्थिति में बर्थ चार्ट में मर्करी यानी बुध की प्लेसमेंट को बहुत डीपली एनालाइज किए जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर इस स्थिति में अगर मरकरी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, बुध अगर आत्मकारक ग्रह है किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में, तो इतना तय है कि व्यक्ति के जीवन में उसके कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पेन और सफरिंग उसके जीवन में होने की वजह हो सकते हैं। क्योंकि जब भी मरकरी जो है वो आत्मकारक होगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट अगर बर्थ चार्ट में मरकरी हो तो उस स्थिति में व्यक्ति के मन में जो है ग्रजेस को होल्ड करने की टेंडेंसी अक्सर रहती है और व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन है वो भी टॉक्सिक रहने की संभावना रहती है और व्यक्ति जो है दूसरों को हर्ट करने का कोई भी मौका जो है वो कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तो बहुत बार इस तरह की सिचुएशन जब मरकरी आत्मकारक ग्रह होता है बर्थ चार्ट में तो अक्सर व्यक्ति की जो टॉक्सिक कम्युनिकेशन है वो रिश्तों के मैरिज के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हो सकती है। और इस तरह से व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो सफरिंग और पेन की अक्सर सबसे बड़ी वजह जो है वो हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बुध यानी कि मरकरी अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, आत्मकारक ग्रह है, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी शादी को किसी भी मैरिज को बनाने या बिगाड़ने में कम्युनिकेशन का रोल जो है वो अक्सर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह का दो शादियों का योग अगर बन रहा है तो उसकी सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले जो है व्यक्ति को अपने जीवन में बृहस्पति के शुभ प्रभावों को बढ़ाने की जरूरत है और इसके साथ ही व्यक्ति को अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ अपने ही हस्बैंड या वाइफ के साथ दो बार शादी करनी चाहिए और दोबारा शादी तब की जा सकती है जब व्यक्ति को अपने रिश्ते जो हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे और ऐसा आप अक्षय तृतीया पर भी कर सकते हैं। और इससे ये व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो दो शादियों का जो योग बन रहा है उसकी नेगेटिविटी को काफी हद तक खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिल सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।